बलराम भैया, राम राम। मैं महावीर वर्मा, राम राम भैया, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं अपने खेत में आपको विजिट कराने लेके जा रहा हूँ। ये है मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री सोमनाथ वर्मा जी, जी जो अब नहीं रहे हैं। ओके। उसके फार्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। आपको विजिट कराने लेके जा रहा हूँ भैया। बहुत बढ़िया। ये है अपना केला की खेती, और इसमें भैया मक्का लगा हुआ है जो केले की हाइट हो चुका है। उतला भी लगा दिया है इसमें भैया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस केले की मोटाई बहुत मैं नाप इसमें टेप से नापा हूँ। इसमें 16 इंच आया, 15 से 16 इंच। बहुत बढ़िया भैया। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी पील निकला हुआ है सब में 3-4, इसको ड्रिल कब करना है? और मेरा प्लांटेशन डेट है 27 फरवरी, और अभी हो चुका है 27 मई। पूरे 3 महीना का मेरा पौधा हो चुका है, तो इसके बच्चे को कब ड्रिल करना है उसको कृपया करके 15 जून के आगे पीछे आप ड्रिल करवा दीजिए। 100 से 110 दिन, 120 दिन के आगे पीछे ड्रिल करो, फिर कोई ज़रूरत नहीं है आगे, बताइएगा। और मैं भैया छोटा छोटा वाइट वीडियो बना के भेज रहा हूँ, क्योंकि बड़ा वाला वीडियो सेंड नहीं हो रहा है, तो कृपया करके सभी वीडियो। गन्ना घास भी आपने लगाई है, जो भी मित्र देख रहे हैं ना कि गन्ना घास क्या होता है, यह देखिए, ये जो साइड में बाउंड्री पे है महावीर भाई के खेत की, इसे गन्ना घास कहते हैं। गन्ने के जैसे आती है, बारीक इसका चीप रहता है, देखिएगा। बहुत बढ़िया साड़ियाँ भी लगाई है, बहुत बढ़िया महावीर भाई जी। बलराम भैया, मैं चारों तरफ साड़ी का बाउंड्री के किनारे किनारे पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत जरूरत है, गर्म हवा बहुत चलती है वहाँ पर। गन्ने घास, नेपियर घास जो गैया को भी खिलाता हूँ, और लमसम इतना 5 फीट 6 फीट का हाइट हो चुका है, और चारों तरफ मैं लगाया हूँ। बहुत बढ़िया। खाली रोड को छोड़ के रास्ता तरफ नहीं लगाया, और 3 तरफ लगाया हूँ बराबर इस तरीके से। अच्छा, आपका चल रहा है सेशन, मेरा पौधा अभी 5x6 पे है, और मैं पंचवर्षीय योजना में आपके अनुसार लेके जाना चाहूँगा भैया। आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए, मिलेगा योजना में। 5 साल काफ़ी अच्छी है आपकी, तो इस पट्टे में भुट्टा कटेगा, अभी भुट्टा लगा हुआ है, तो इसमें मैं बेड बनाऊंगा। एक बेड रहेगा और एक नाली रहेगा। बहुत बढ़िया। फिर एक बेड रहेगा, फिर एक नाली रहेगा, इस तरीके से आप। अभी महावीर भाई इसमें अलग से कुछ ट्रैक्टर डालने की आवश्यकता नहीं है बेड बनाने की, अभी केवल कचरा डालना है, जो मक्का कटेगा या जो खरपतवार निकल रहा हो उसको एक में डालना है और एक को खाली रखना है। पौधे की हाइट हेल्थ तो बहुत अच्छी चल रही है, पौधा अच्छा चल रहा है, 3 महीने 90 दिन के हिसाब से बहुत हाइट हेल्थ तो और प्रीमियम प्लांट है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की हाइट हेल्थ तो आ रही है, आपकी मेहनत है, बहुत अच्छा लग रहा है। BFS से आप जुड़े हो और जो डेटास फॉलो कर रहे हो उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। ट्रैक्टर नहीं डालना है अंदर, अनुसार चलूँगा। तो इसको भी बताइएगा भैया कि भुट्टा जो कटेगा तो उसको कब डालना है? बिल्कुल जैसे बारिश एक निकल जाए फिर डाल देना, अभी पहले काटोगे तो वो जैसा पत्ता गया ऐसे सूखेंगे, ये जो लीफ सूख रही है अभी टेम्परेचर ज़्यादा है। आपने एक गड़बड़ी कर दी है, थोड़ा ग्राफ आपने 5x6 लिया है, इसे 5x7 रखना था पंचवर्षीय योजना पर जाना है तो। और ये जो ऊपर का लीफ दिख रहा है यह सनबर्न का असर है, गर्मी का असर है, गर्मी असर कर रहा है। तो अभी भुट्टा वगैरह काटना नहीं है, बारिश एक आएगी उसके बाद काटेंगे भैया। इस तरीके से पत्ते सूख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत असर होगा कि रोशनी सीधा धूप पड़ रहा है उसका है कि इसमें कुछ समस्या है ना? धूप का ही असर है, कोई समस्या नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं? और बंची टॉप का तो आप बताए थे, उसका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, और इसमें पानी रात में हम चलाते हैं, ऐसा नमी बना हुआ है, इतना देख सकते हैं, इस तरीके से नमी है।
इसमें मैं पानी देखने का सही जो तरीका है महावीर भाई, ये जो आपका बेड बना हुआ है ये बेड गीला रहना चाहिए अभी गर्मी में, और यहाँ पर सूखा रहना चाहिए, इतना पानी चलाओ। अभी हर एक किसान की सॉइल का टेक्सचर अलग अलग होता है, प्लांट की हाइट हेल्थ है, अभी 26 मई है, टेम्परेचर पर डे बढ़ ही रहा है, तो इतना भिगोया हुआ रहे और यहाँ पर सूखा रहे, इतना पानी चलाना है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक गीला ना हो और न पूरा बेड सूखा हो। अभी आपका कितना लीटर डिस्चार्ज का ड्रिप है और कितने घंटे चला रहे हो वो आपको तय करना है आपके खेत के हिसाब से, ओके? हाँ, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन मैं 12 घंटे पानी डाल रहा हूँ, फिर भी इतना जल्दी जल्दी सूख जा रहा है जमीन। सूखेगा, गर्मी है, वो प्रेशर होगा, डाल रहा हूँ मैं तो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है भैया पानी, उसको बताइएगा। पत्ते इस तरीके से हल्का पीला दिखाई दे रहा है, इसमें पानी ज्यादा है, टेम्परेचर का असर है, ये हल्का पीला, थोड़ा मैग्नीशियम कम उठाता है इस समय प्लांट, और बच्चे इतना बड़ा बड़ा हो चुका है भैया इसमें भी जो है भाई। ये जो ज़्यादा बड़ा है ना इसको तो तुरंत काट के बाहर करो, ये बच्चा नहीं है, साइड में डबल पौधा आ गया था वो है, बच्चा जो आपने उधर दिखाया था उसे बच्चा कहते हैं, ये साइड का पौधा है, ये बच्चा नहीं है, इसे तुरंत निकाल दो वरना प्लांट में दोनों में कम उत्पादन आएगा। उसको कब ड्रिल करना है उसको बताइएगा, देख सकते हैं पौधे की मोटाई, ये उम्र हो चुकी है, काट के ड्रिल कर सकते हो या अगले 10 दिन में भी करोगे जब भी चलेगा। 3 माह में पौधा कैसा है? बहुत बढ़िया है महावीर भाई, मेहनत आपकी काफी अच्छी है। इस तरीके से बेड सूखा हुआ, एक नाली एक पट्टा, एक नाली एक पट्टा, और 5x6 में लगा हुआ है पौधा, इसको अगले रटून में आपके अनुसार पौधा उखाड़ना है तो उखाड़ देंगे, लेकिन 5 साल पंचवर्षीय योजना में लेके जाएंगे भैया, ठीक है ना भाई? छत्तीसगढ़िया ना बहुत बढ़िया है, वो फॉलो कर रहे हैं थोड़े अच्छे तरीके से, दिख भी रहा है। आपके अनुसार 1 मई से 15 जून तक का फर्टिलाइजर बताए थे भैया वो चल रहा है, 1 महीना हो गया और 15 जून तक और डालेंगे जी इसमें भैया। और आप सुक्रोज का ऑर्डर किए थे तो सुक्रोज हमें कब तक मिल जाएगा, कब लेना है पोस्ट ऑफिस से उसको भी बताइएगा भैया। सुक्रोज के लिए ऑफिस का नंबर है 9424538222, इसका ब्रांड नेम है वाइसिनोमेटा, वाइसिनोमेटा, आप ऑफिस के नंबर पर बात कर लीजिए, मैं भी आपका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। सुक्रोज डिस्पैच चालू हो गया है, वाइसिनोमेटा की डिस्पैच पूरे भारत में जा रही है, आपका भी निकल गया होगा या फिर निकलेगा तो आपको रिसिप्ट व्हाट्सअप कर देंगे, आपके नज़दीकी जो भी डाकघर है वहाँ से आपको कलेक्शन लेना है, ऑफिस में आपका नंबर दे देता हूँ, आपके पास फ़ोन कॉल्स आ जाएंगे। बहुत अच्छी मेहनत है महावीर भाई, अलग से खाद ठकले कितना हम खाद डालें इसको भी बताइएगा। मैं जो आपका शेड्यूल चल रहा है उसी को चलाओ, बहुत अच्छा फील्ड अभी रन हो रहा है, 90 दिन में इतनी अच्छी फील्ड बहुत कम किसानों की रहती है। मित्रों जो छत्तीसगढ़ वाले हैं यहाँ पर प्लाट विजिट कर सकते हैं ब्रदर के यहाँ, मैं महावीर जी का नंबर आपको प्लेस करता हूँ, आप महावीर जी है, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, फार्मर सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और महावीर जी का यह नंबर है, जो भी छत्तीसगढ़ वाले मित्र हैं यह नंबर बात कर सकते हैं महावीर भाई से, कैसे सीख रहे हैं क्या कर रहे हैं, 9340476067 यह नंबर महावीर भाई का है, और छत्तीसगढ़ वाले जितने भी फार्मर्स हैं वह पूछते रहते हैं कि बी किसान स्मार्ट फार्मिंग कहां पर है छत्तीसगढ़ में, हमें कहां देखने को मिलेगा, तो ये महावीर भाई ने यहां पर उनके फील्ड का एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पर पूरे भारत के किसान जा कर के देख सकते हैं, या छत्तीसगढ़ वाले किसान तो 100 ही देख सकते हैं। यह नंबर भी है महावीर जी का, सोमनाथ वर्मा जी कृषि फार्म, ये उनके दादाजी हैं। बहुत अच्छा लगा महावीर भाई, एकदम सही से अनुसरण कर रहे हो,
महावीर भाई एक्चुअली बी किसान स्मार्ट फार्मिंग से प्लांटेशन करने के बाद में जुड़े थे, तो इन्होंने 5x6 पर लगा दिया था, जो बी किसान स्मार्ट फार्मिंग बोलता है 5x7 पर लगाओ, लेकिन उसमें भी अभी जो फॉलोअप कर रहे हैं काफ़ी अच्छा है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। महावीर भाई, किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा में आपका स्वागत है, और जो मित्र मेरी बाइट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसानों को समझ में आए कि किसान पाठशाला के बैनर से बहुत सीखने को मिलता है। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।